नमस्कार, मैं आलोक शुक्ला स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन संस्थान परीक्षा प्लस में। रेलवे एनटीपीसी की वैकेंसीज और फॉर्म फिलिंग, सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क, सबसे ज्यादा डाउट, सबसे ज्यादा कंफ्यूजन, जोन वाइज फॉर्म होता है, हमारी समस्याएं बढ़ा देते हैं, हम स्टूडेंट्स की समस्या बढ़ा देते हैं ये रेलवे वाले कि किस जोन से अप्लाई करें, कैटेगरी वाइज क्या होगा आपका स्टेट वाइज। हालांकि आपको बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है जब तक आपका बड़ा भाई है, और आपके लिए हर छोटी छोटी बिंदु पे बड़ी बड़ी मेहनत करने के लिए मैं तैयार हूं और लगातार मैं करता आ रहा हूं। अगर चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। और बहुत बेहतरीन, जो आपको सबसे ज्यादा जरूरी था कि सर मैं इस कैटेगरी का हूं और किस जोन में मैं फॉर्म भर दूं, क्या मेरे लिए सेफ रहेगा कि मेरा सिलेक्शन हो जाए, यदि आपका भी यही प्रश्न है तो मुझे कमेंट बॉक्स में हाँ करिएगा। और कमेंट बॉक्स में मुझे यह भी बताइए कि आप में से कितने सारे बच्चे फॉर्म भर दिए और कितने सारे बच्चे अभी इंतजार कर रहे हैं कि नहीं सर आप एक बेहतर एनालिसिस सारी दे दीजिए, आप स्टेट वाइज भी दे दीजिए, आप कैटेगरी वाइज भी दे दीजिए, फिर मैं फॉर्म भरूंगा, कमेंट करके मुझे बता दीजिएगा। हम लोग आगे बढ़ते हैं सेफ जोन कैटेगरी वाइज, जो सबसे ज्यादा डिमांडिंग, आपका सबसे ज्यादा आपको जिसका इंतजार था। बहुत बेहतरीन, आपको यह पता होगा सीएन 5/2024 8113 पदों पर अभी ग्रेजुएट पोस्ट पर निकल चुका है। और अब आते हैं जोन सिलेक्शन में। जैसा मैं हर वीडियो में आपको एक बात समझाने का प्रयास करता हूं कि जोन चूज करने में आपको ध्यान क्या रहे, लेकिन एक नई बात निकल के आ रही है कि जब मैं बच्चों से बोल रहा हूं कि भाई आप जोन चूज करने में नौकरी की प्राथमिकता वाले कुछ बच्चे होते हैं जिनके नौकरी ही सबसे ज्यादा जरूरी होती है कि भाई कुछ भी हो जाए बस मुझे नौकरी चाहिए। एक होता है पसंदीदा पोस्ट, क्योंकि जैसे गर्ल्स हैं, जैसे ऐसे बहुत सारे भाई होते हैं जिनको पोस्ट से मतलब होता है कि बहुत ज्यादा मुझे पैसे की जरूरत नहीं है, मैं बहुत हेक्टिक लाइफ नहीं जीना चाहता हूं, स्मूथ लाइफ, नौकरी मतलब स्मूथ लाइफ, आराम की जिंदगी जीना चाहता हूं, अपने परिवार को समय देना चाहता हूं, एक अच्छी लाइफ स्टाइल जीना चाहता हूं, आपके दिमाग में ये है, या फिर कुल पद आपकी कैटेगरी वाइज, ये बहुत बड़ा टर्म निकल के आ रहा है और इसे भी आपको दिमाग में रखना होगा। परिवार की जिम्मेदारी, कहीं ऐसा तो नहीं आप कोई ऐसा जोन चूज कर ले रहे हैं जो आप घर से बहुत दूर चले जाए और उसके बाद फिर आप अपनी पारिवारिक जो नैतिक जिम्मेदारी है वो आप नहीं निभा पाए, आप अपने कार्य में और अपने परिवार में एक वर्चस्व ना बना पाए, एक सामंजस्य ना बना पाए, तो यहां पर दिक्कत होती है। घर से दूरी जो मैंने आपको बताया और प्रीवियस कट ऑफ भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अब सबसे बड़ी बात, जैसे मैंने बोला कैटेगरी वाइज डाटा, इससे पहले मैंने आपको पोस्ट वाइज डाटा सारा बता दिया था कि किस जोन में टोटल वैकेंसी क्या है और किस पोस्ट की कितनी वैकेंसी है। एक बहुत बेहतर आंकड़ा मैंने आपको दिया था, इस पे मैंने सुबह वीडियो समझाया था, जिन बच्चों को कैटेगरी वाइज आपको कौन सा पोस्ट प्रेफरेंस भरना है और कौन सा जोन सेलेक्ट करना है वो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके देख सकते हैं। दूसरा, मैंने ये भी आपको बना दिया है कि आपके अलग अलग पोस्ट, जैसे CCCTS का मैंने बनाया है कि आपके लिए कौन सा बेहतर जोन होगा, आप वो देख ले। बाकी ऐसे स्टेशन मास्टर, गुड्स ट्रेन मैनेजर का JA वाली पोस्ट है और आपके जो क्लर्क कम टाइपिस्ट वाले पोस्ट है, ये सारा मैं आपका एक एक करके बना दूंगा। थोड़ा सा समय मुझे भी दीजिए, लगातार सुबह से आपके लिए मैं वीडियो पे वीडियो और एनालिसिस पे एनालिसिस करता जा रहा हूं, सब कुछ बना दूंगा। बस आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आपको आपके बड़े भाई का वादा है कि आपको कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होगी। अब जैसे बहुत सारे मेरे छोटे भाई छोटी बहन लगातार पूछ रहे थे कि सर मैं कैटेगरी वाइज हूं और मैं कौन सा जोन से चूज करूं, मैंने उन्हें बताया कि आप वीडियो देखे तो उनका कहना था कि सर आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि मैं जब वो जोन चूज कर रहा हूं तो मैं मेरे लिए वहां पे वैकेंसी ही नहीं है। और जैसे मैं आपको दिखा दूं कि ये डेटा बहुत ज्यादा जरूरी है जब आप कैटेगरी वाइज फॉर्म भरते हो, क्योंकि आप बहुत सारे जोन, अगर जोन चूज करने चले आप पूरा फॉर्म भर दिए और लास्ट में आपको ये पता नहीं लगता है, क्योंकि लास्ट में वहां पे प्रेफरेंस देगा, मैं आपको वहां पे दिखाऊंगा। और प्रेफरेंस में जब आप भरते हो तो कई सारी कैटेगरी, जैसे आप देखोगे यहाँ पे अभी अहमदाबाद की बात करें तो यहाँ पे लगभग सारी कैटेगरी में है, अजमेर की बात करें तो यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे CCCTS का केवल एक पद है, तो अगर बच्चा अजमेर जोन चूज कर लेगा तो CCTS के लिए तो भर ही नहीं पाएगा। ऐसे स्टेशन मास्टर के लिए कोई पद ही नहीं है, ऐसे आपका जो सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट इसके लिए कोई पद ही नहीं है। तो भले ही यहां पे अगर देखा जाए अजमेर में ओवरऑल वैकेंसीज 132 हैं, बट ST कैटेगरी के लिए तो ये जोन बिल्कुल बेकार हो गया। ऐसे ही अगर हम लोग बात करें कुछ और जोन का, जैसे अगर हम बात करें अपने ओबीसी वाले भाइयों के लिए, तो आप यहां पे देखोगे सीनियर क्लर्क टाइपिस्ट का इसमें केवल एक पद है, टोटल वैकेंसी बेंगलुरु में 134 है, बहुत ज्यादा नहीं, बहुत कम नहीं, एक एवरेज वैकेंसी है, लेकिन यहां पे कोई पद ही नहीं है। ऐसे अगर हम लोग भोपाल की देखें 155 टोटल वैकेंसी है, लेकिन स्टेशन मास्टर का, गुड्स ट्रेन मैनेजर का कोई पोस्ट ही नहीं है। तो ये जो समस्या एक नई आ रही है अलग अलग कैटेगरी में, जो जीरो या बहुत कम पद वाले हैं, जैसे 758 है लेकिन इस पद को देखो तो केवल दो ही पद है। आप CCTS का देखोगे, भुवनेश्वर में एक बहुत अच्छा जोन है, एक बहुत बेहतरीन जोन है जहां पे वैकेंसी बहुत ज्यादा है, लेकिन हमारे ओबीसी वाले भाई अगर भरेंगे तो फिर यहां पे उनके लिए तो ये जो दो
अच्छे पद है, ये पद तो गायब हो जाएगा। और इसमें दूसरा पद भी गायब है, मतलब आप देखो तो स्टेशन मास्टर का इसने जिक्र ही नहीं किया है, स्टेशन मास्टर का तो किसी कैटेगरी में नहीं है। इस कारण से आपको ये वीडियो देखना थोड़ा ज्यादा जरूरी है और मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिएगा, फिर मैं आपको सारी चीजें बताता हूं। इससे पहले एक चीज मैं बता दूं कि अगर आप में से कितने भाई तैयारी अपनी स्टार्ट कर दिए हैं ये मुझे कमेंट करके बताइएगा, और आप अपनी तैयारी टीम परीक्षा प्लस के साथ एक बहुत अनुभवी बहुत बेहतरीन टीम, सारे इंजीनियर्स की टीम यहां पे आपको एक बहुत बेहतर क्लास दे रही है, जो आपको साइंस हो गया, मैथ्स हो गया, मैं खुद आपको सपोर्ट करूंगा। आप मेरी एनालिसिस देख के थोड़ा सा आइडिया लगा सकते हो कि कितना गजब आपको साइंस और मैथ्स से पढ़ाते होंगे। सर आशीष सर आपके खुद इंजीनियर है, मैं भी इंजीनियरिंग सेम ब्रांच के, हम लोग सेम कॉलेज के हैं, यहाँ पे इन्होंने रीजनिंग पढ़ाना है। रमन सर आपके हो गए, सर्वेश सर दोनों सिलेक्टेड लोग हैं और दोनों बहुत बेहतरीन तरीके से आपको जीके जीएस कवर करा रहे हैं। फहीम सर, नवीन सर आपको इतना बेहतर सारी चीजें पढ़ा रहे हैं। अब यहाँ पे देखा जाए तो अगर आप इस बैच से जुड़ना चाहते हो तो मात्र 199 रेलवे का कोई बैच जिसमें सारी लाइव क्लासेस आपको, उनके रिकॉर्डेड क्लासेस सारे, आपको नोट्स, आपको जो बुकलेट मिलते हैं, बुकलेट के साथ साथ आपको जो किताबें जो आप 700-800-900 रुपए में खरीदते हो ये परीक्षा प्लस ऐप पे मात्र 10-20-30 रुपए में आपको मिल जाती है ई बुक सेक्शन में, तो ये आप इन्हें परचेज कर सकते हो। साथ में आप परीक्षा प्लस ऐप डाउनलोड करोगे, आप पेड कोर्स में जाओगे, आप किसी भी बैच को खरीदोगे और आपके सामने ये सारी चीजें आ जाएंगी। अब आते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसके अतिरिक्त ये सारी फ्री क्लासेस चल रही हैं इसी परीक्षा प्लस यूट्यूब चैनल पे, शाम को 6 बजे साइंस, 7 बजे जीके जीएस, 8 बजे मैथ्स और लिसनिंग चल रही है, तो ये क्लासेस भी आप अटेंड कर सकते हो। और जैसे मैंने बोला कि कट ऑफ, प्रीवियस कट ऑफ क्या था, इसको आपको दिमाग में रखना है। आते हैं हम लोग टेबल पे, जो मैंने आपको बताया है कि आपका जो कैटेगरी वाइज टेबल है ये आप सबसे पहले अगर कोई बच्चा स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो कैटेगरी वाइज आप यहाँ पे ले सकते हो, एक बहुत बेहतर मेहनत करके मैंने आपके लिए बनाया है। और अब ये जो बनाया हूं इसमें आप देखोगे तीन रंग आपको दिख रहे होंगे, एक हरा दिख रहा होगा, एक नीला दिख रहा होगा, एक लाल दिख रहा होगा। तीनों रंगों को मैं आपको 2 मिनट में समझा देता हूं कि हरा रंग वो है जो अभी हमको लग रहा है कि ग्रीन जोन है, लेकिन ये धीरे 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 रेड की तरफ बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि यहां का बच्चा नीचे नहीं आएगा, यहां का जो जोन है, इस जोन में जो बच्चा है, इस राज्यों में रहने वाला बच्चा है, जैसे अगर मैं बात करूं कोलकाता, तो कोलकाता जोन की बात किया जाए तो कोलकाता जोन में रहने वाला बच्चा क्या है, ये जो इतना एरिया आता है, इतना एरिया पूरा आता है, ये पूरा एरिया कोलकाता जोन में क्या है, डिवाइडेड है, ठीक है। तो यहां पे जितने बच्चे होंगे ये तो कोलकाता में भरेंगे ही, क्योंकि यहां पे वैकेंसी अच्छी खासी है, अब वो दूसरे जोन में क्यों जाएं। लेकिन जहां पे वैकेंसीज कम है वो बच्चा भी कोलकाता जाएगा, तो वो जो ग्रीन जोन है धीरे धीरे रेड होता चला जाएगा। इसीलिए मैं आपको समझा रहा हूं कि बहुत सोची समझी तरीके से हमें अपने जोन का चुनाव करना है और बहुत बेहतर पेशेंटली हमें अपने फॉर्म को भरना है। सुनिए, तो ग्रीन जोन वाला बच्चा कभी भी नीचे जोन में फॉर्म नहीं भरेगा, और जो मैंने ब्लू जोन से मैंने दिया है, यहां पे आप देखोगे अलग अलग राज्य, जैसे आप कहीं पे भी देखोगे मालदा में मैंने टोटल वैकेंसी के हिसाब से ब्लू दिया है, लेकिन एससी के हिसाब से रेड दिया है, मतलब एससी वाले बच्चे यहां पे बदले अपना जोन, लेकिन जो ब्लू जोन है, जिनका ब्लू है, वो लोग अपना जोन चेंज मत करिए, क्योंकि आप एक मॉडरेट जोन में आ रहे हो। आप में वो बच्चा भी फॉर्म नहीं भरेगा जिनके पास वैकेंसी कम है, वो भी नहीं आएगा जिनके पास वैकेंसी ज्यादा है, और वो भी नहीं आएगा जो आपके बराबर की वैकेंसी है। मतलब जो मॉडरेट जोन वाले हैं, जो ब्लू जोन वाले हैं, सही मायने में तो सबसे सेफ जोन ये है जो ब्लू वाला है, क्योंकि ना इसमें कोई आएगा और ना इसका कहीं जाएगा। तो आप अपने राज्य के मालिक हो, आप अपने स्थान के मालिक हो, आप वहां पर फॉर्म भरो और वहीं पर आपका एक मॉडरेट कट ऑफ जाएगी, बहुत ज्यादा फॉर्म पड़ेगा नहीं। और सबसे सीधी बात, सत्य बात यह है कि हाई करोगे अच्छे से तो आपका सिलेक्शन भी हो जाएगा, जो आप परीक्षा प्लस टीम से जुड़ के कर सकते हो। तो आपको ये तीन बात समझ में आ गई कि हरे वाले को कहीं नहीं जाना है, नीले वाले को कहीं नहीं जाना है, लाल वाले को जाना है और लाल वाले को अपने से ऊपर पे जाना है। अब जैसे मैंने आपको यहां पे देखो तो मैंने जो हरा जोन बनाया है, अगर मैं ओबीसी वाले भाइयों के लिए देखो तो कोलकाता आपके लिए ग्रीन जोन अभी दिख रहा है, मुंबई आपका 217 दिख रहा है, भुवनेश्वर आपका 199 दिख रहा है, तो यहां पे आप जो अगर इस तीन जोन से हो तो आप भर दो, लेकिन अगर आप इन जोन से हो तो आपको भरने की जरूरत नहीं है। इवन दो अगर आप इन दो जोन से हो तो भी आप एक बार ट्राई कर सकते हो चंडीगढ़ और रांची से, लेकिन आप मतलब इनके नीचे में, और ये जो रेड वाले हैं ये जरूर आप लोग अपना जोन चेंज करो, लेकिन जोन चेंज करते समय आपको क्या ध्यान कैटेगरी वाइज, जैसे समस्या आपको आ रही है कि इस आपकी कैटेगरी की वैकेंसी ही नहीं है, तो आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। देखिए मैं आपके लिए हर तरफ से, हर एंगल से मेहनत करने के लिए तैयार हूं, और एक सबसे बेहतर आपके लिए मैं क्या करने जा रहा हूं सुनिए, जो मैं कल आपको सुबह एक वीडियो दूंगा, मैं जैसे बहुत सारे बच्चे ये चाहते हैं कि सर मैं उत्तर प्रदेश से हूं, सर मैं दिल्ली से हूं, सर मैं जयपुर से हूं, मैं कहां पे फॉर्म भरूं,
तो ना ये कोई बता रहा है और ना आप समझ पा रहे हो कि आपका जो जोन है उनमें कौन से राज्य आ रहे हैं, और अगर आप किसी पर्टिकुलर राज्य से बिलोंग कर रहे हो तो आपके लिए क्या सेफ जोन होगा। इस कारण से आपके लिए बहुत बेहतर वीडियो मैं बना रहा हूं, और कितने बच्चे चाहते हैं कि हाँ सर मुझे स्टेट वाइज वीडियो बना दीजिए कि मैं इस स्टेट में हूं और मैं किस जोन में चला जाऊं, मुझे ये तीन जोन आप बता दीजिए, उन तीनों में से मैं कोई एक सिलेक्ट कर लूं। कितने बच्चे चाहते हैं मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा, ताकि आपके कमेंट से ही मुझे प्रोत्साहन मिलता है और मैं ज्यादा मेहनत करने के लिए थोड़ा सा ज्यादा तत्पर होता हूं जब आपके प्यारे प्यारे कमेंट में मिलते हैं तभी। तो इस बात को ध्यान दीजिएगा। अब अगर आप कैटेगरी वाइज ध्यान दे रहे हो तो एक चीज ध्यान देना, सबसे पहले तो आप इस चार्ट को देखोगे, ये देखोगे कि आपकी चार्ट में वैकेंसी कहां पे जाता है। जैसे मैंने ये पूरा जो चार्ट बनाया है ये ज्यादा से कम की तरफ बनाया है, और ये टोटल वैकेंसी का, लेकिन आप किसी का भी देखोगे तो लमसम सबका ज्यादा से कम की तरफ है। जैसे अगर आप ओबीसी का देखोगे 329 168 ज्यादा से कम की तरफ ही बढ़ रहा है। एक दो एक्सेप्शन हटा दें, जैसे यहां पे एक्सेप्शन हटा दें, जैसे यहां पे एक्सेप्शन हटा दें, तो एक दो एक्सेप्शन जहां पे बहुत ज्यादा अंतर भी नहीं है तो ये ज्यादा से कम की तरफ है। ऐसे अनरिजर्व में भी ज्यादा से कम की तरफ है, एक दो एक्सेप्शन हटा दें। ऐसे ईडब्ल्यूएस में भी ज्यादा से कम की तरफ है, एक दो एक्सेप्शन हटा दें। ऐसे एसटी में भी ज्यादा से कम तरफ है, एक दो एक्सेप्शन हटा दें। तो सबसे पहले आपको इस चार्ट में दिख जाएगा कि आपकी कैटेगरी वाइज वैकेंसी कहां पे सबसे ज्यादा है। लेकिन आप इसको आपका भी ध्यान रखोगे, जब आप अपना फॉर्म भरोगे तो जिस जोन में, जैसे अपने मैंने बताया, सपोज करिए कि आप बेंगलुरु जोन से हो, आप बेंगलुरु के आसपास हो या बेंगलुरु भरने जा रहे हो, तो आप ये देखो कि बेंगलुरु में हमारे पास कितनी वैकेंसी है, 134। अब आप कहां पे आओगे, अब आप अपना ये चार्ट देखोगे और बेंगलुरु आप ढूंढोगे, इसमें बेंगलुरु कहां पे है, तो आप नोटिफिकेशन उठाओगे, बेंगलुरु ढूंढोगे। यहां पे बेंगलुरु में मैंने किसके लिए बोला, बेंगलुरु में मैंने ओबीसी वाले भाई के लिए बोला। अगर आप यहां पे देखोगे तो बेंगलुरु में अगर आप देखते हो कि किसी कोई ओबीसी कैटेगरी का बच्चा है और हम बेंगलुरु में भरने का प्रयास कर रहे हैं, हम कहां पे चाह रहे हैं, हम चाह रहे हैं कि बेंगलुरु में भर दें, और ओबीसी कैटेगरी के 134 पोस्ट है यहां पे। लेकिन आप ये देखो कि जब क्या सारे पद यहां पे हैं, क्या बेंगलुरु में सारे पद यहां पे हैं, तो बेंगलुरु में आते हैं ओबीसी कैटेगरी में आएंगे, ये आपका बेंगलुरु है और ये आपका ओबीसी कैटेगरी है। अब ओबीसी कैटेगरी में आपको यहां पे देखोगे एससी टीएस, यहां पे ये क्या है, सीसीसी टीएस जो आपका पद है, यहां पे केवल 5 है। एक बहुत बेहतरीन पोस्ट, ये ईडब्ल्यूएस में बोल रहा हूं, ये बहुत बेहतरीन पोस्ट केवल कितना है, 13 है। स्टेशन मास्टर का केवल 32 है, गुड्स ट्रेन मैनेजर का 64 है, तो भी ठीक है। जेए आपका जो सीटी है ये आपका 24 है, लेकिन आपका सीनियर क्लब टाइपिस्ट का केवल 1 पद है। तो क्या यह आपके लिए बहुत बेहतर पद है? नहीं। अब आप क्या करोगे, आप देखोगे ओबीसी कब कहां पे ज्यादा है, आप बेंगलुरु नहीं भरोगे। अब आप देखोगे कि हाँ यार बेंगलुरु से ऊपर कौन सा ऐसा है जहां पे ओबीसी मुझे ज्यादा दिख रहा है, थोड़ा आपको देखना पड़ेगा। तो बेंगलुरु से ऊपर जैसे आपने 134 देखा, 134 जब 134 चूज किए तो 137 चूज करने कोई मतलब नहीं, केवल 3 का अंतर है। 140 भी चूज करने कोई मतलब नहीं है, केवल आपका 6 का अंतर है। 168 भी चूज करने कोई मतलब नहीं है, केवल आपका 20-30 का फर्क है। तो आप कहां पे आओगे, अब बेंगलुरु के आसपास देखो क्या इसमें कोई आपका पास में है, तब आप देखोगे कि हाँ थोड़ा बहुत भुवनेश्वर मेरे पास पड़ सकता है। या अगर हम डायगोनली जाएं तो आप मैप को देखो, आप मैप को देखोगे तो आप बेंगलुरु कहां पे हो, आप बेंगलुरु यहां पे हो। तो आपके लिए सिकंदराबाद नजदीक आ रहा है, आपके लिए मुंबई आपके लिए नजदीक आ रहा है, थोड़ा और इधर जाएंगे तो आपके लिए भुवनेश्वर नजदीक पड़ रहा है। तब आप इन मुंबई सिकंदराबाद और भुवनेश्वर में देखोगे, अब भुवनेश्वर सिकंदराबाद और जब मुंबई में देखोगे तो आप देखोगे वहां पे ओबीसी के पद कहां पे सबसे ज्यादा है, क्या देखोगे कि ओबीसी के पद इन तीनों में से कहां पे ज्यादा है। तो आप भुवनेश्वर मुंबई में देखोगे और यहां पे देख लो, तो भुवनेश्वर मुंबई ले ले यहां, और सिकंदराबाद देख ले, सिकंदराबाद में तो आपसे कम ही है, लेकिन अगर हम लोग यहां पे देखेंगे भुवनेश्वर या मुंबई में, तो मुंबई में आपके कितने हैं, 217 पद है। अब आप मुंबई आओगे और मुंबई आने के बाद फिर से अपना बेंगलुरु वाला क्या करोगे, जोन ओपन करोगे, और बेंगलुरु वाला जोन ओपन करने के बाद देखोगे कि जो मुंबई है, मुंबई आपका कहां पे है, क्या ओबीसी मुंबई में हम लोग जा सकते हैं, ये आपका कोलकाता आ गया, ये आपका मुंबई आ गया, और ओबीसी के 217 हैं। अब आप देखोगे कि यहां पे सीसीटीएस के भी ओबीसी के लगभग आपके देखा जाए तो 31 पद हैं, स्टेशन मास्टर के भी यहां पे लगभग एवरेज पद हैं 42 पद है, गुड्स ट्रेन मैनेजर का यहाँ पे ठीक ठाक पद है, अच्छा खासा पद है 45, 2, 47 और 28, यानी कि 75 पद है। अगर आप देखोगे जेएटीसी का देखोगे तो यहाँ पे भी 16, 10, 26 पद है, और आपका इसमें भी लगभग 44 पद है, यानी कि आपको जोन चेंज करने की जरूरत है, और आप कहां पे जाओगे, आप मुंबई जाओगे। तो ऐसे आप सारे बच्चे अपने अपने कैटेगरी का जोन एक बार देखते हुए जाओगे, और आपको थोड़ा हिट एंड ट्रायल करना पड़ेगा। फिर भी आपको कोई बहुत ज्यादा समस्या होती है तो आपके लिए आपका बड़ा भाई है, आप कमेंट बॉक्स में हमें
बता दें कि सर मैं इस राज्य से हूं, मेरी ये कैटेगरी है, आप मुझे सजेस्ट कर दीजिए किस जोन में जाऊं, मैं अपना पूरा समय निकाल के, हालांकि ये बहुत बड़ा मैं आपसे प्रॉमिस करने जा रहा हूं क्योंकि हजारों बच्चे कमेंट करेंगे, हजारों बच्चों को देख के बताना मेरे लिए बहुत मुश्किल है, तो आप खुद से प्रयास करिएगा, पहले आप देख लीजिए और फिर भी आपको लगता है कि नहीं सर बता दें तो आपका बड़ा भाई कभी पीछे नहीं हटेगा आपकी मदद करने के लिए और मैं आपका आपके कमेंट का रिप्लाई अवश्य दूंगा, तो सारे बच्चे मुझे कमेंट में अवश्य बताएंगे। बाकी आपकी जो भी डाउट्स हैं, जो भी आपके दिमाग में क्वेश्चन है, आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हो, एक एक बच्चे का मैं रिप्लाई दूंगा और साथ में मैं उसके लिए अगर जरूरत पड़ी तो वीडियो भी बना दूंगा ताकि इन जनरल सभी को मदद मिल जाए। आप परीक्षा प्लस ये चैनल अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि आपके रेलवे की वैकेंसी रेलवे एनटीपीसी के लिए बहुत मेहनत कर रही है ये टीम और बहुत बेहतर तरीके से, चाहे आपकी फॉर्म फिलिंग हो, चाहे आपकी तैयारी हो, चाहे आपका सिलेक्शन तक आपका किसी तरीके से साथ नहीं छोड़ने वाली टीम है, बहुत मेहनत करने वाली टीम है और हम आपकी मंजिल तक अवश्य पहुंचाएंगे, इस बात का आपसे वादा रहा। क्या आप भी हमसे वादा करते हो कि हाँ सर इस बार हम सिलेक्शन लेके आएंगे, एक बार मुझसे वादा अवश्य करिएगा कमेंट में कि हाँ सर हम सिलेक्शन लेके रहेंगे, बस मैं आपसे वादा चाहता हूं और कुछ नहीं, फिर मिलूंगा, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का, बहुत बहुत आभार।